नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। श्रीनगर में शिया समुदाय के लोगों ने 30 सालों से ज्यादा समय के बाद पारंपरिक गुरु बाजार डलगेट रूट से मुहर्रम का जुलूस निकाला। यह जुलूस श्रीनगर के चर्चित लाल चौक इलाके से भी गुजरा। 1990 के दशक में हिंसा के चलते इस रूट में मुहर्रम का जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई थी। इस साल जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसे निकालने की अनुमति दी। मुहर्रम को इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है। मुस्लिम समुदाय के लिए काफी धार्मिक महत्व रखता है। यह जुलूस मुहर्रम के 8वें दिन निकाला गया। प्रशासन ने जुलूस निकालने के लिए 6 से 8 बजे तक का समय दिया था। शिया समुदाय के सैकड़ों लोग सुबह 5:30 बजे गुरु बाजार में इकट्ठे हो गए, जिसके बाद 6 बजे से जुलूस निकाला। कश्मीर के डिवीजन कमिश्नर वीके विदुरी ने बताया, कश्मीर के लोगों के बनाए अच्छे माहौल के चलते ये परमिशन दी गई। सुबह जुलूस निकालने की परमिशन इसलिए दी गई जिससे आम लोगों को कोई परेशानी न हो। इस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से होने से प्रशासन दूसरे मुद्दों पर भी फैसला कर सकेगा। कश्मीर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया कि पिछले कुछ सालों से शिया समुदाय की ओर से इस रूट पर जुलूस निकालने की मांग की जा रही थी। प्रशासन ने इस बार परमिशन दी तो हमने सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए। एक दिन पहले हाई लेवल मीटिंग भी की गई। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।